आज है 1 जून 2021 और 1 जून 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अफ्रीकी देश केन्या। अफ्रीकी देश केन्या की मार्था कोम सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बन गई हैं। केन्या की संसद ने जज मार्था कोम को सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनाने का फैसला किया है। ये इमेज में जो हैं ये हैं मार्था कोम। केन्या की कैपिटल है नैरोबी, राष्ट्रपति हैं उहुरु केन्याटा और मुद्रा है केन्यन शिलिंग। हाल ही में केन्या ने भारत को 12 टन खाद्य उत्पाद दान किए हैं। पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या ने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी को 12 टन चाय, कॉफ़ी और मूंगफली दिए हैं जिसे स्थानीय तौर पर उत्पादित किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चाइना। चाइना ने अपनी टू चाइल्ड पॉलिसी को ख़त्म करके 3 चाइल्ड पॉलिसी शुरू कर दिया है। चीन ने अपनी 2 चाइल्ड पॉलिसी को ख़त्म करने का फैसला लिया है। अब चीन में कपल को 3 बच्चे तक पैदा करने की आज़ादी होगी। दरअसल बूढ़ी होती आबादी व जनसंख्या बढ़ने की धीमी रफ्तार के बीच चीन ने यह फैसला किया है। चीन की कैपिटल है बीजिंग। शी जिनपिंग यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। CNSA चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ की स्पेस एजेंसी है। युआन व रेनमिनबी यहाँ की करेंसी है। ली केक्यांग यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 21 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया गया। 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया गया। इस बार की वर्ल्ड नो टोबैको डे की थीम है कमिट टू क्विट अर्थात छोड़ने के प्रति प्रतिबद्ध। कोरोना वायरस के मामलों के चलते मलेशिया ने संपूर्ण देश में 1 से 14 जून तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। अब मलेशिया ने संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है तो मलेशिया के बारे में हम जान लेते हैं। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर, करेंसी है मलेशियन रिंगिट और मुहिउद्दीन यासीन यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेंच ओपन। 3 बार की मेजर चैंपियन एंजेलिक कर्वर फ्रेंच ओपन के पहले दौर से बाहर हो गई हैं। फ्रेंच ओपन एकमात्र ऐसा ग्रैंड स्लैम है जिसे कर्वर कभी नहीं जीत पाई हैं। कर्वर ने 2018 विंबलडन का खिताब अपने नाम किया था। कर्वर को पहले दौर में यूक्रेन की एनहेलिना कालिलिना ने हराया। नेक्स्ट हम बात करते हैं EPFO के तहत अधिकतम बीमा लाभ COVID-19 पीड़ितों के आश्रितों के लिए 6 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है। अर्थात COVID-19 से जो पीड़ित हैं उनके आश्रितों को यह राशि 6 लाख से बढ़ाकर 7 लाख दी जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं माउंट एवरेस्ट के बारे में। 46 साल के झोंग होंग माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले एशिया के पहले नेत्रहीन व्यक्ति बन गए हैं। झोंग होंग बेसिकली चाइना से बिलोंग करते हैं लेकिन इन्होंने नेपाल की तरफ से चढ़ाई की है। 21 वर्ष की उम्र में ही ग्लूकोमा नामक बीमारी की वजह से इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। ये ओवरऑल वर्ल्ड के 3रे नेत्रहीन व्यक्ति हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। नेक्स्ट हम बात करते हैं
रिपब्लिक ऑफ कांगो के माउंट नेरागोंगा ज्वालामुखी के पास 2002 के बाद बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है। अब कांगो गणराज्य पर विस्फोट हुआ है तो हम कांगो के बारे में देख लेते हैं। कांगो की कैपिटल है किनशासा, यहाँ की मुद्रा है सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक और फेलिक्स टीसीसीकेडी यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेमंड ने, रेमंड ग्रुप, एक जो कि एक भारतीय फैब्रिक एंड फैशन रिटेलर ग्रुप है, इसने हरमोहन साइनी को अपने चीफ के रूप में नियुक्त किया है। अर्थात हरमोहन साइनी रेमंड रिटेलर के सीईओ होंगे। रेमंड की स्थापना 1925 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान सरकार ने सभी परिवारों को औषधीय जड़ी बूटी बांटने की घोषणा की है। अब राजस्थान ने औषधीय जड़ी बूटी बांटने की घोषणा की है तो हम राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, जिसे पिंक सिटी भी कहते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, राजस्थान के गवर्नर हैं कलराज मिश्र। नेक्स्ट, भारत में FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का दूसरा सबसे बड़ा निवेशक देश बन गया है अमेरिका। पहला तो हमने डिस्कस किया था कि सिंगापुर था, दूसरा अमेरिका बन गया है। अर्थात एक कंपनी का किसी दूसरे देश में निवेश FDI कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वियतनाम। वियतनाम ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट का पता लगाया है। जो ये नया वेरिएंट है, यह है कोरोना के UK वेरिएंट व इंडिया वेरिएंट का मिक्सअप है। अब वियतनाम ने लगाया है तो वियतनाम के बारे में हम जान लेते हैं। वियतनाम की राजधानी है हनोई, यहाँ की मुद्रा है वियतनामी डोंग। काजू उत्पादन में वियतनाम का विश्व में पहला स्थान है।